भारत और पाकिस्तान का मुकाबला एशिया कप के सुपर फोर में खेला जाएगा, लेकिन टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में इस मुकाबले में बहुत बड़े बदलाव है। सबसे पहले ओपनिंग जोड़ी की बात करते हैं। ओपनिंग जोड़ी में पहला नाम रोहित शर्मा का आता है। रोहित शर्मा जिन्होंने नेपाल के खिलाफ 2020 के ओवरों के अंदर शानदार हाफ सेंचुरी लगाई थी। अच्छी बल्लेबाजी, अच्छा रिदम, अच्छा फॉर्म। लेकिन इनके साथ में नाम आएगा शुभमन गिल का। ये वो खिलाड़ी जो भारत का प्रिंस कहा जाता है, क्योंकि भारत को इसमें नया विराट दिखता है। लेकिन इस खिलाड़ी ने अभी तक उस तरह से प्रभावित किया है, लेकिन पिछले कुछ मैचों में इनका बल्ला बिल्कुल शांत रहा। कहीं ना कहीं ओपनिंग जोड़ी तो तय है, लेकिन नंबर 3 भी तय है, विराट कोहली। विराट कोहली वो खिलाड़ी जो रनों का अंबार लगाते हैं। विराट कोहली वो खिलाड़ी जिन्हें रन मशीन कहा जाता है। बात करें नंबर 4 की तो नाम श्रेयस अय्यर का आएगा। तो जी हां, श्रेयस अय्यर लगभग अपनी जगह पक्की करते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भी अच्छे टच में दिख रहे थे, लेकिन एक ऐसा शॉट जिन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन नंबर 5 पर एक बहुत बड़ा बवाल पैदा हो जाता है, और वो इसलिए भी क्योंकि केएल राहुल की इस मैच में वापसी हो रही है। केएल राहुल ने पिछले कुछ समय से बहुत ही अच्छा खेल दिखाया था। केएल राहुल जिन्होंने काफी प्रभावित किया नंबर 5 पर, लेकिन पिछले कुछ समय से वो लगातार बाहर चल रहे थे। फिटनेस की वजह से वो पहले मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेले, और टीम इंडिया के सेलेक्टर्स ने ये तो बता दिया है कि केएल राहुल भारत की एज अ विकेट कीपर बैट्समैन प्रथम चॉइस है। लेकिन डिबेट तब चढ़ गई जब ईशान किशन ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे वक्त में जब टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर ध्वस्त हुआ, टॉप क्लास ध्वस्त हुआ, वहां पर ईशान किशन नंबर 5 पर बल्लेबाज विकेट कीपर के तौर पर वो पारी खेलते हैं जो चर्चा का विषय बन जाती है। अब सवाल यह है कि केएल राहुल या ईशान किशन, इन दोनों में से कौन खेलेगा? सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा मुद्दा भारत की प्लेइंग 11 को लेकर यही है, और ये बहुत बड़ा डिबेट है। हो तो ये भी सकता है कि शायद श्रेयस अय्यर को बाहर बिठा दिया जाए और उनकी जगह पर केएल राहुल को नंबर 4 पर फिट कर दिया जाए और ईशान किशन को नंबर 5 पर। ये बहुत बड़ी गुत्थी बनी हुई है प्लेइंग 11 के अंदर। हार्दिक पांड्या के बाद में सातवें पायदान पर नाम रविंद्र जडेजा का आएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जडेजा बहुत ही कमाल के खिलाड़ी है, और इनके आगे नाम आठवें पायदान पर एक फिर बड़ा बवाल। अब बैटिंग में जबरदस्त गहराई आपको अक्षर पटेल देते हैं, और वहीं शार्दुल ठाकुर आपके पास एक ऑप्शन है आठवें पायदान पर, कि अगर तेज गेंदबाजों को पिच मदद करती है तो शार्दुल ठाकुर आपको वहां पर नजर आएंगे। अब ये खिलाड़ी आपको बैटिंग में गहराई देता है, इसलिए शमी को बाहर बैठाकर इस खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा। सवाल ये भी है कि शार्दुल ठाकुर और अक्षर पटेल में से कौन खेलेगा एज अकॉर्डिंग टू पिच। लेकिन फिर बड़ा बदलाव, 9 पोजीशन पर कुलदीप यादव है, और ये तो पहले से ही तय है। कुलदीप यादव ने पिछले कुछ समय से कमाल का खेल दिखाया है, और दो तेज गेंदबाज कौन होंगे? जैसा हमने बताया, जसप्रीत बुमराह की वापसी हो रही है, अब वो नेपाल के खिलाफ नहीं खेले थे, तो एक और बहुत बड़ा बदलाव यहां देखने को मिलेगा, और उसकी जगह पर मोहम्मद शमी को बाहर बैठना पड़ सकता है, क्योंकि कप्तान रोहित ने दिखा दिया शमी से ज्यादा वैरायटी जो देंगे और जो प्रायोरिटी देंगे वो देंगे मोहम्मद सिराज। इसीलिए जसप्रीत बुमराह की वापसी हो जाएगी, वो कमाल के खिलाड़ी, वो लाजवाब खिलाड़ी, और उनके साथ में मोहम्मद सिराज आपको दिखाई देंगे तेज गेंदबाज। डिबेट नंबर 4 और 5 को लेकर अभी भी बना हुआ है। ऑलराउंडर कौन होगा उसको लेकर बना हुआ है, और जसप्रीत बुमराह की वापसी होगी तो बाहर कौन होगा इसको लेकर भी बना हुआ है। आपकी क्या राय है?